समझ में आया? काल किसे कहते हैं? तो क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। काल के मुख्य रूप से तीन भेद है। कौन से तीन भेद? तो भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। अब भूतकाल किसे कहेंगे? तो भूतकाल क्रिया के जिस रूप से उसके बीते समय में होने का पता चलता है उसे भूतकाल कहते हैं। फिर से एक बार, भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से उसके बीते समय में होने का पता चलता है उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल किसे कहते हैं? तो क्रिया के जिस रूप से उसके बीते समय में होने का पता चलता है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे कि उदाहरण देते हैं हम, कल वैभव ने पाठ याद किया। समझ में आया? 15 अगस्त 1947 के दिन भारत आजाद हुआ। समझ में आया? क्रिया के जिस रूप से उसके बीते समय होने का पता चल जाता है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे कि वैभव ने कौन पाठ याद किया? 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। मैं और अहिंदा बात कही थी। समझ में आया? ऐसे शब्द मतलब कि ऐसे सेंटेंस से पता चलता है कि ये भूतकाल का सेंटेंस। फिर से एक बार दोहराती हूँ, सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं? तो
मजदूर, अभी अभी आया है। मजदूर अभी अभी आया है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। सुनील ने अभी पहला पाठ समाप्त किया। समझ में आया? आसन भूमिका किसे कहते हैं? तो क्रिया शब्द के जिस रूप से उसके भूतकाल में शुरू होने तथा अभी अभी समाप्त होने का पता चलता है उसे आसन भूतकाल कहते हैं। आसन का अर्थ ही है निकट में, निकट। तो अभी अभी मजदूर अभी अभी आया है। सुनील ने अभी पहला पार समाप्त किया। समझ में आया? फिर से एक बार दोहरा देती हूँ। काल किसे कहते हैं? तो क्रिया के जिस रूप से उसकी होने या करने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। मुख्य रूप से काल के तीन भेद हैं, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। भूतकाल किसे कहते हैं? तो भूतकाल क्रिया के जिस रूप से उसके बीते समय में होने का पता चलता है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे कि कल वैभव ने पाठ याद किया, 15 अगस्त 1947 में भारत आजाद हुआ। ऐसे सेंटेंस आते हैं तब हमें पता चल जाता है कि ये भूतकाल है। समझ में आया? कोई भी क्रिया हो गई है, बाद में उसकी बात की जाती है तो उसे भूतकाल कहते हैं।
मैं वहां पे नहीं जाती। समझ में आया? हेतु